Hello everyone, welcome to Market Sarthi. Myself Manish Salvi, and today is 1st of August 2023. So again we are ready with the post market report ke market mein kya hua, kis tarah ka momentum hame dekhne ko mila aur wo kaun se sectors the jo markets ko downgrade karte nazar aaye aur se kuch important news thi jo market mein aaj thodi bani rahi jo ki jiski wajah se market mein under pressure hame dekhne ko mila. So, वो सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में, साथ ही हम जानेंगे कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा क्या बोल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो जैसे कि सर्विस पीएमआई का और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा यूनाइटेड स्टेट से आने वाला है, इंडिया से भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया हुआ है तो उसका इम्पैक्ट किस तरह रहा मार्केट पर, और रिजल्ट सेशन चल रहा है तो रिजल्ट में वो कौन से स्टॉक्स है जो कि मार्केट में आने वाले समय में आपको ध्यान में रखना चाहिए एज फार एज द रिजल्ट इज कंसर्न. अभी मार्केट में आज के सेशन की बात करें तो मार्केट में ओपनिंग के बाद सो वी कैन से इट्स हॉवर अराउंड द 20-30 पॉइंट्स के आसपास का एक रेंज लेकर मार्केट जो है लगातार सेकेंड हाफ में ट्रेड करता रहा. लेकिन उससे पहले ओपनिंग के बाद लाइक ओपनिंग हुआ था 19,760 के अराउंड, बट उसके बाद मार्केट में लगा एक पर्टिकुलरली अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिला था से 19,790 के आसपास मार्केट जाने में कामयाब रहा. बट देन एक सडन डाउनफॉल हमें देखने को मिला, एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन हमें देखने को मिला, एंड देन मार्केट जो है लगातार कंटिन्यूसली गिरते हुए एट दी इन दी फर्स्ट हाफ ओनली मार्केट में निफ्टी में अगर देखे तो वहां से मार्केट ने एक नया लो बनाया 19,721 का. सो उसके बाद मार्केट लगातार एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन से 720 से लेकर 760 के रेंज में मार्केट घूमता रहा. नाउ सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी सिमिलर हमें मोमेंटम देखने को मिला, एंड एट दी एंड जो है मार्केट जो है 0.1% की गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसमें बैंक निफ्टी जो है अगेन मार्केट को अंडर परफॉर्म किया, जिसमें बैंक निफ्टी में 0.13% का गिरावट देखने को मिला. वहीं मेटल और आईटी जो है लगातार, जैसे आपने देखा है कि हम अगर लगातार मार्केट्स में पॉजिटिविटी के साथ या फिर मार्केट को थोड़ा आउट परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, वहां पर हमें देखने को मिला कि आज भी आईटी एंड मेटल वॉज पॉजिटिव. एंड एट दी एंड मार्केट जो है एक चौथी सेशन के बाद एक रेड नोट पे बंद होने में बंद हुआ, जहां पर लगभग अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में अभी ट्रेड कर रहा है, एक शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल. अब ये है क्या, ये हम टेक्निकल चार्ट पे स्टडी करेंगे. अभी अगर हम मार्केट ब्रेथ की बात करें तो मार्केट ब्रेथ देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से देखें यहाँ पर 1223 स्टॉक्स जो कि अपसाइड मूव किए, एंड रिमेनिंग 834 स्टॉक जो है डाउनसाइड मूव किए. ओवरऑल जो डाउनसाइड रैली है आज का, सो ये मोर ओवर से वी कैन से लार्ज कैप एंड मिड कैप्स में ज्यादा हावी था. जस्ट वी कैन सी कि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स थे उसमें उतना हमें गिरावट देखने को नहीं मिला. मेजरली कल जो एक न्यूज आया था फ्रॉम दी ऑयल एंड मिनिस्ट्री एंड से गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स इंप्लीमेंट किया है फॉर दी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला. साथ ही हीरो मोटोकॉप में एक नेगेटिव न्यूज और से हीरो मोटोकॉप एक नेगेटिवली रिएक्ट किया बिकॉज यहाँ पे ईडी का एक पर्टिकुलरली इंक्वायरी हुआ है एट हीरो मोटोकॉप दिल्ली ब्रांच, तो वहाँ पे विजिट किया हुआ है ईडी. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हीरो मोटोकॉप में भी एक गिरावट देखने को मिला है. ऑलमोस्ट हाई से हीरो मोटोकॉप 5% की गिरावट पोस्ट करता नजर आया है विद द ह्यूज बिल्डअप्स ऑन फ्यूचर्स. लगभग 22% का फ्यूचर्स में शॉर्ट बिल्डअप्स हमें देखने को मिला है हीरो मोटोकॉप्स में. सो ओवरऑल दिस इज वॉट क्वाइट जो डाउनसाइड रैली भी था, जो नेगेटिविटी था, इट इज मोर ओवर ड्रिवन बाय द लार्ज कैप स्टॉक्स. अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें से स्मॉल कैप इंडेक्स में हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट 0.68% की बढ़त पोस्ट करता नजर आया है, और मिड कैप इंडेक्स भी लगभग ग्रीन नोट में बंद होने में कामयाब रहा. सो वी कैन से ओवरऑल दिस रैली वॉज ड्रैग डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ द मेजर स्टॉक्स. मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स अपसाइड जस्ट वी कैन सी इन एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी हम देख सकते हैं. उसके साथ ही FISDIS के डेटा की बात करें तो लगातार FISDIS का डेटा हम देखें तो FIS ने आज की अगर हम बात करें तो अगस्त में 23,734 करोड़ के आसपास का बाइंग कर लिया है एज फार एज द डेटा इज कंसर्न. सो टिल दिस पर्टिकुलर होल ईयर इन दी पर्टिकुलर सेशंस. सो फ्रेंड्स FIS का जो मूड है वो तो थोड़ा पॉजिटिव बना हुआ है मार्केट को लेकर. अगर हम यहाँ देखें FIS के डेटा पे तो लगातार वी कैन सी के 8,000 करोड़ का बाइंग है जनवरी में किया, 32,000 करोड़ का बाइंग कैश मार्केट में जो है फैब में किया, मार्च में लगभग FIS ने जो है 7,000 करोड़ के आसपास का बाइंग किया,
एंड देन 31,000 करोड़ इन दी मई एंड जुलाई की बात करें तो 12,000 करोड़। सो ओवरऑल दी FIIs और से जी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका तो इनफ्लो आता जा रहा है मार्केट में। सो जो अभी रैली आ रहा है डाउन साइड में, तो ये जो रैली है जस्ट बिकॉज ऑफ सम इवेंट कंसर्न है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, इस वजह से हमें गिरावट देखने को मिला है। बट ओवरऑल वी कैन से कि मार्केट का जो अपसाइड ट्रेंड है वो अभी इंटैक्ट बना हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ से निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स पे, तो टेक्निकल चार्ट्स पे हम आगे जाएंगे, बस उससे पहले देख ले एक बार कि कोल इंडिया, NTPC, टेक महिंद्रा, HCL टेक एंड LNT माइंड जो स्टॉक्स हैं इन्होंने गेन पोस्ट किया है। दीज आर दी स्टॉक्स जो कि टॉप गेनर्स में थे। वहीं बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटो कॉर्प एंड पावर ग्रिड, दीज आर दी स्टॉक्स जो कि नेगेटिविटी के साथ नजर आए। पावर ग्रिड का जो नंबर्स हमें देख रहे हैं यहाँ पे मोर देन 5% का गिरावट है, जस्ट बिकॉज पावर ग्रिड के जो नंबर्स आए, रिजल्ट्स जो अर्निंग रिजल्ट्स हैं वो उतना पॉजिटिव नहीं आया। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पावर ग्रिड में एक अपसाइड मोमेंटम के बाद एक आज डाउन साइड रैली और से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे निफ्टी, डाउ जोन और सारे इंडाइसेस के। तो डाउ जोन जो है, हालांकि कल की क्लोजिंग देखे तो एक पॉजिटिविटी के साथ लिया था, बट अभी डाउ जोन फ्यूचर्स की बात करो तो डाउ जोन फ्यूचर्स 100 पॉइंट्स डाउन है, जस्ट बिकॉज यूनाइटेड किंगडम से जर्मनी देख लें, कैट देख लें, स्विट्स देख लें, सभी इंडाइसेज जो 0.6 से 0.8% की गिरावट पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। बट यस, वी कैन सी दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग सेशन एज ऑफ नाउ, एंड माइट बी पॉसिबल डाउ जोन जो है लोअर लेवल्स पे अगर देखें तो 35,200 का सपोर्ट ले सकता है इन अपकमिंग डेज फॉर द ट्रेडिंग सेशन। सो हायर लेवल्स पे अगर हम बात करें तो हायर लेवल्स पे यहाँ पर हमें 35,700 के रजिस्टेंस नजर आ रहा है। सो मेजरली जो डाउ जोन की रेंज की बात करें तो 35,200 का सपोर्ट एंड 35,700 का रेजिस्टेंस, ये रेंज हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड जो है इंटैक्ट बना हुआ है, हालांकि एक बेरिश एंगल्फिंग भी देखने को मिला जो मैं कल भी डिस्कस किया था, बट इसका लो लेवल ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है जस्ट टू कंटिन्यू द डाउन साइड, बट तब तक हमारा एक जो व्यू है वो बुलिश बना रहेगा। अभी हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो सेशन है आज का, एक बिल्कुल टाइट ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला। आई मीन एज आई डिस्कस विद यू के मार्केट में स्टार्टिंग में एक बढ़त देखने को मिला, बट इन दी फर्स्ट हाफ ओनली एक प्रॉफिट बुकिंग एंड देन मार्केट कंटिन्यूसली टाइट ट्रेडिंग रेंज में कंसोलिडेट करता नजर आया। हालांकि मार्केट जो है फिलहाल अगर देखें तो अपने एक शॉर्टर टाइम फ्रेम, मतलब ये आर्ली चार्ट आपके सामने है जिसमें कि एक कंसोलिडेशन और से एक प्राइस वाइज करेक्शन ले रहा है। एंड वी कैन सी कि अगर डेली चार्ट पे देखें तो ट्रेंड ऑलरेडी इंटैक्ट अपसाइड बना हुआ है। अगर मार्केट नीचे आता भी है, सो दीज आर द लेवल्स जो कि 19,600 कुड बी द क्रूशियल लेवल फॉर द डाउन साइड। अगर नीचे आते तो वहां से फर्दर सपोर्ट लेने के चांसेस है। और अभी ऊपर की साइड देखें तो 19,860 का एक टेक्निकल लेवल है जहां पर मार्केट में नेक्स्ट हर्डल क्रिएट होगा। एंड आई 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 अज्यूम कि मार्केट जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन पे इस तरह से कुछ कंसोलिडेशन फॉर्मेशन देकर अपसाइड रैली हमें दिखा दे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगेन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम। वी कैन सी द बैंक निफ्टी इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम वेयर, एक जो अपवर्ड ट्रेडिंग चैनल है वहां से सपोर्ट लेकर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से एक पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिले। अगेन आई एम टॉकिंग द सेम बिकॉज द चार्ट इज सिमिलर, क्योंकि कल और आज में चार्ट में उतना डिफरेंस नहीं आया। मार्केट में एक जस्ट कंसोलिडेशन फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है, एक स्मॉल ट्रेडिंग रेंज में मार्केट ट्रेड किया है। यस, यहाँ सेक्टर स्पेसिफिकली बात करें तो ऑटोमोबाइल्स ओपनिंग के बाद लास्ट क्लोजिंग सेशन में जस्ट बिकॉज ऑफ द हीरो मोटो कॉर्प्स का जो गिरावट हुआ ईडी इन्फो आई मीन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी की विजिट की वजह से, उसकी वजह से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग मीन्स इंडेक्सेस थोड़ा ये इंडेक्स थोड़ा गिरावट देख पोस्ट करता नजर आया। अदरवाइज मारुति का जो रिजल्ट आए थे उसमें मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहा। वहीं अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल जो है लगातार एक अपसाइड रैली लिया हुआ है। आज भी मेटल जो है अपना अपसाइड रैली लेकर ट्रेड करता नजर आया, एंड इस अपसाइड रैली में मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिला। अगर हम देखें यहाँ पर आर्ली चार्ट्स पे, तो आर्ली चार्ट्स पे प्रॉफिट बुकिंग एंड दी साइडवेज ट्रेडिंग सेशंस, इसी तरह का पहले भी कंसोलिडेशन और साइडवेज ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला है। सो माइट बी पॉसिबल मार्केट फर्दर एक साइडवेज सेशन लेकर फिर से हमें अपसाइड मोमेंटम दिखाए, जस्ट बिकॉज के ट्रेंड जो है मार्केट का अभी इंटैक्ट है टुवर्ड्स दी हायर साइड। अंटिल एनालिस ट्रेंड यहाँ से चेंज होते हैं तब तक हम ट्रेंड के बारे में अगेंस्ट नहीं सोचने वाले। यस, अगर हायर लेवल्स पे देखें तो ऑटोमोबाइल्स में थोड़ा रजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इन एरियाज में मार्केट रजिस्टेंस ले सकता है ये एरियाज में, बट यस
इट इज लाइकली टू बी पॉजिटिव एज ऑफ नाउ। वहीं अगर हम बात करें आईटी, तो आईटी में कल का जो रैली था प्रॉफिट बुकिंग और से शॉर्ट कवरिंग जो हुआ आईटी में कल, उसको कंटिन्यू करता नजर आया एंड मे बी पॉसिबल आईटी फर्दर इस पर्टिकुलर रैली को कंटिन्यू करता नजर आया, जस्ट बिकॉज की जो इम्पैक्ट था न्यूज का, रिजल्ट का ऑन इन्फोसिस एंड अदर TCS एंड ऑल, सो वो थोड़ा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है एंड देन वी कैन अज्यूम के मार्केट फर्दर अपसाइड मोमेंटम ले ले। नाउ एनर्जी अगेन इट इज अ सिमिलर, आई मीन इट्स अगेन साइडवेज टू बियरिश ट्रेंड सेशन हमें देखने को मिला, बट FMCG कंटिन्यूअसली बियरिश बना हुआ है। सो FMCG थोड़ा ड्रैग डाउन करा है, बट उतना इम्पैक्ट FMCG अभी उतना निफ्टी पे नहीं दे रहा है। अदर सेक्टर्स कैन लीड द मार्केट्स लाइक मेटल, ऑटो एंड बैंकिंग एंड IT कैन लीड द मार्केट इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं जहां पर बिल्डअप्स देखने को मिला है। तो यहां पर हम बात करें हिंद कॉपर, अतुल, कोल इंडिया, UBL एंड द बर्जर पैंट्स। तो ये स्टॉक्स जहां पे डबल डिजिट्स में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है और उसके साथ प्राइस में लगभग लगभग 6% 6% 5% 3% का बढ़त देखने को मिला है। मतलब दिस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर द स्टॉक्स एंड ये स्टॉक्स जो है लगभग लगभग आने वाले कुछ दिनों में या से 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में फर्दर पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि जब भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है मतलब नए पोजिशंस बने हैं और मार्केट के ऊपर जाने पर, मतलब यहाँ लॉन्ग बिल्डअप्स हुए हैं और लॉन्ग बिल्डअप्स का जनरेट होना ये हिंट करता है हमें कि मार्केट फर्दर अपसाइड मोमेंटम ले सकता है। वहीं अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें जिसमें कि शॉर्ट बिल्डअप्स हुए हैं, सी पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प, DLF, टाटा कम्युनिकेशंस एंड दी अपोलो हॉस्पिटल्स। सो पावर ग्रिड इज अगेन रिजल्ट ड्रिवन, हीरो मोटोकॉर्प अगेन अ न्यूज ड्रिवन, जो कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी का जो विजिट था उसकी वजह से यहाँ पे बिल्डअप्स हुए। सो दिस इज दिस दीज बिल्डअप्स आर जस्ट लाइक न्यूज ड्रिवन, बट यस 24% का बिल्डअप्स हमें पावर ग्रिड में, हीरो मोटोकॉर्प में ऑलमोस्ट 21% का, DLF में 15% का बिल्डअप हमें देखने को मिला है। सो ओवरऑल वी कैन से कि मार्केट में ये कुछ स्टॉक्स है जो कि आने वाले समय में पॉजिटिव रह सकते हैं और ये स्टॉक जो है पावर ग्रिड एंड एच एल, हीरो मोटो, DLF, वी कैन सी अ नेगेटिविटी इन दिस स्टॉक्स इन अपकमिंग डेज। स्पेसिफिकली निफ्टी पे बात करते हैं, निफ्टी में आज 19,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे सबसे ज्यादा बिल्डअप्स देखने को मिला है। इफ यू कैन सी यहाँ पर जो अगर आप चार्ट्स में देख पाते हैं, तो इन चार्ट्स पे आप ग्रीन बार्स जो बॉटम में देख रहे हैं ये बिल्डअप्स बताता है कि मार्केट में इन एरिया में बिल्डअप्स हमें देखने को मिला। मतलब 19,800 इज दी स्ट्राइक प्राइस जो कि लोगों को लगता है कि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है एंड मोर ओवर द सेशन इज पॉजिटिव, बिकॉज अगर यहाँ पर हमें बिल्डअप पुट ऑप्शन में देखने को मिलता है तो वी कैन से कि मार्केट जो है यहाँ पर डाउन साइड में एक सपोर्ट लेता नजर आ रहा है लगभग लगभग 19,700 एंड हाईएस्ट जो बिल्डअप्स बना हुआ है 19,600 पर है। सो हाईएस्ट बिल्डअप्स ये बताता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा राइटिंग हुआ है और पुट ऑप्शंस में, और हाईएस्ट बिल्डअप ऑन 19,800 में कॉल ऑप्शन बताता है कि 19,800 पर सबसे ज्यादा राइटिंग हुआ है कॉल ऑप्शंस में। मतलब ये दो स्ट्राइक प्राइस है जिसके बियॉन्ड मार्केट जाने वाला नहीं है इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरी। सो वी कैन अज्यूम के मार्केट का अपर रेंज हो गया 19,800, लोअर रेंज हो गया 19,600 और यही रेंज हमें टेक्निकल चार्ट पे भी नजर आ रहा है। सो वी कैन सी मार्केट में सेम सिमिलरिटी और से सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो हाईएस्ट बिल्डअप बना हुआ है वो 46,000 की स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है। हालांकि आज के ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो यहाँ पर 45,700 एंड 45,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर बहुत ज्यादा बिल्डअप देखने को मिला है। मतलब नियर टर्म स्ट्राइक प्राइस और एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस पे जो बिल्डअप हमें देखने को मिला है, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग हुआ है कॉल ऑप्शंस का और इसी स्ट्राइक प्राइस पे हमें लगभग लगभग देखे तो 45,600 की ही स्ट्राइक प्राइस पे हमें पुट ऑप्शन राइटिंग देखने को मिला है। मतलब टोटली अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल हुआ है ऑन हाइएस्ट वैल्यू ऑफ और द लेवल ऑफ 45,600। सो अगर शॉर्ट स्ट्रैडल हमें यहाँ देखने को मिल रहा है तो बैंक निफ्टी जो है मोर ओवर 45,600 की रेंज के आसपास रह सकता है फॉर टुमारो और फॉर डे आफ्टर टुमारो टिल द एक्सपायरी और टिल थर्सडे। वहीं अगर हम बात करें अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की और डेटा की,
तो वी कैन से कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, सर्विस वीएमआई का डेटा है, जो कि 46 के आसपास आने वाला है। 50 के नीचे जो भी डेटा आता है इट इज लाइक कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी, 50 के अबव जो डेटा आता है इट इज लाइक एक्सपांशन इन द इकोनॉमी। अभी अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट से भी सर्विस पीएमआई का और से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आया था जो कि लगातार 50 के अबव बना हुआ है, 57.7 एंड 57.8 वॉज द प्रीवियस। सो थोड़ा सा कम आया है बट स्टिल इट इज द एक्सपांशन इन द इकोनॉमी। वहीं सर्विस पीएमआई की बात करें इंडियन मार्केट से तो यहाँ पे 61.44 था जो कि अभी 58 के आसपास आया। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा कम हुआ है बट स्टिल देर इज एन एक्सपांशन इन द सर्विस इंडस्ट्री। सो ओवरऑल सर्विस पीएमआई एंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा है इंडिया से जो आया है वो क्वाइट पॉजिटिव है कंपनी इकोनॉमी के लिए। अभी यूनाइटेड स्टेट से जो आ रहा है अगर ये अपने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेटर आ जाता है सो वी कैन अज्यूम के फर्दर पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन है 48 के हैं, प्रीवियस 46 है, सो 48 और बियॉन्ड कैन बी अ गुड ड्राइवर फॉर द मार्केट्स इन अपकमिंग डेज। रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स में टाइटन अदानी ट्रांस जस्ट होल्ड ऑन टाइटन अदानी ट्रांस एंड दी इंटर ग्लोब एविएशन आई मीन इंडिगो, मैनकाइंड फार्मा, अदानी विल्मार एंड दी अंबुजा सीमेंट्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये जो स्टॉक्स हैं जो मेजरली आपको फोकस में रहना चाहिए। अगर इन स्टॉक्स में पोजीशन है तो अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखिए बिकॉज ऑन द इवेंट ऑफ रिजल्ट वी नेवर नो मार्केट कहाँ पे किस तरह का मोमेंटम दिखा दे। सो कीप योर स्टॉप लॉस इफ यू हैव द पोजीशन इन दीज स्टॉक्स। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, अभी हमें इतना ही रखने वाला हूँ। सो रिमेनिंग कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए प्लीज मार्केट सारथी को से जुड़े रहिए एंड अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओवरऑल व्यू नजर आता है कि मार्केट में जो रैली दिख रहा है लास्ट टू फ्यू ट्रेडिंग सेशन से कल का एक पॉजिटिविटी था, आज फर्दर एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन को हमें देखने को मिला है। इट्स ऑल कंसोलिडेशन और से इट्स ऑल अ साइडवेज ट्रेडिंग सेशन विद अ लो वॉल्यूम विच कैन ड्राइव द मार्केट टू द हायर साइड इन अपकमिंग डेज एज वेल। तो मार्केट फर्दर अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, अभी फॉर्मेशन जो है इन दी मेकिंग है फॉर दी अपकमिंग अपसाइड मूवमेंट के। मार्केट हमेशा सीधी लाइन में नहीं जाता है, इट इट मूव्स फादर, उसके बाद कंसोलिडेशन लेता है एंड कंसोलिडेशन के बाद फर्दर मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो मार्केट अभी बेस बना रहा है, इन दिस बेस मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है बट यस अपने पोर्टफोलियो के साथ आप इंटैक्ट रह सकते हैं। मार्केट में लोअर लेवल पे देखें तो 19,500 इज द क्रूशियल लेवल इन निफ्टी, उसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। बट सो एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न इट इज इंटैक्ट इन द बुलिश ट्रेंड, सो यू कैन योर सेल्फ बी ऑल्सो बुलिश इन योर ट्रेडिंग एंड पोर्टफोलियोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड एंड एज वेल एज फ्रेंड मैं ये वीडियो आपके एजुकेशन और मेरे एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। इसमें जो भी मैंने एडवाइस और मैंने जो भी पॉइंट्स पर डिस्कस किया वो कोई एडवाइस नहीं है और से इट इज़ ऑल द कॉन्टेंट फॉर द एजुकेशन। इफ यू वॉन्ट टू टेक योर डिसीजन प्लीज टेक योर ओन डिसीजन बाई योर ओन एनालिसिस और यू कैन टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर और यू कैन गेट कनेक्टेड विद एनी रिसर्च एनालिस्ट विच कैन गिव यू फर्दर इनसाइट फॉर बिफोर टेकिंग डिसीजन। दिस इज जस्ट फॉर योर एजुकेशन एंड माई एजुकेशन पर्पज। थैंक यू वेरी मच।